बलागम। दोस्तों ये एक ड्रामा फैमिली मूवी है जो कि लगभग 2.25 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो तेलंगाना के एक छोटे से गांव के अंदर सेट है। यानी कि होता क्या है कि वहां पर एक परिवार होता है और उस परिवार के अंदर एक मुखिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग होता है, और एक दिन वो बुजुर्ग भगवान को प्यारा हो जाता है। अब रह जाता है उनका एक लड़का जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है, और उस परिवार के अंदर क्या कुछ झोल झपाटा होता है ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, इस मूवी का जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इस मूवी के अंदर जितने भी करेक्टर्स आपको नज़र आएंगे और इस मूवी की प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले काफ़ी कमाल का होने वाला है। भाई स्क्रीन प्ले तो इतना अच्छा है, लगभग शुरू का एक घंटा तो आप बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन होगे उस वक्त जब उस परिवार के अंदर वो बुजुर्ग चला जाएगा। यानी कि जब वो बुजुर्ग चला जाता है उसके बाद में जो काफ़ी देर तक कहानी देखने को मिलती है कि भाई किस तरीके से बुजुर्ग के मर जाने पर जब पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, परिवार वाले लोग आ जाते हैं, जो परिवार के अंदर आपस के मसले होते हैं, भाई उसे देखकर ना आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। और बाद में किस तरीके से ये कहानी एक थोड़ी बहुत लव एंगल की तरफ जाते जाते एक कौए पे शुरू हो जाती है, वो देख के और भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है। यानी कि मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको एंटरटेन तो मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो सकते हो, खासकर लास्ट के 20 मिनट्स में, भाई आपकी आंखें भर आएंगी। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मुझे ये मूवी काफी ज्यादा डिसेंट लगी है। आप जब इस मूवी को देखोगे दोस्तों तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत से घरों की कहानी इस तरह की ही होती है, और आप इसके अंदर एक रियलिस्टिक जैसा फील करोगे। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 8/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।